तो मैं ये कह सकता हूँ कि कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है या हॉस्पिटैलिटी है दुनिया में मशहूर है, बहुत अच्छा है। नेपोटिज्म का ना कोई दिल्ली का, मैं यहाँ पे जो कोई सामना ना करना पड़ा, ठीक है। माशाल्लाह मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है बहुत अच्छे हैं, ठीक। और आप रही बात हेल्प की, आपको बिना बोले आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ मोस्टली बच्चे कम यहाँ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो कश्मीर नाम सुन के वो नहीं करते, लेकिन यहाँ मान के चलिए आपको यहाँ किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और ये जो वीडियो होने जा रहा है, मैं पहले ही बोल दूँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में होने जा रहा है। जो भी बच्चे आ रहे हैं बाहर से या हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट से जम्मू एंड कश्मीर के, वो यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, तो उनकी बहुत सारी क्यूरीज थी। आप मेरे व्लॉग्स चेक करें, उनकी क्यूरीज जो थी कमेंट सेक्शन में भी थे, मेरे DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किन मुश्किलात का नहीं सामना करना पड़ता है। इट मीन्स कि प्रोज एंड कॉन्स भी हम काउंट कर लेंगे, और जो प्रोसीजर रहेगा, फॉर एग्जांपल, आई मीन से आपने तो काउंसलिंग अटेंड की ही होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट से देख रहे होंगे, इवन कि जिनका फिजिक्स में नहीं करना है, बाकी किसी और, जैसे हमारे पास कन्वर्जेंट जर्नलिज्म है, IT डिपार्टमेंट है, और IT का तो ऑलमोस्ट JEE मेन से हो जाता है एडमिशन। मैं अगर बात करूँ जूलॉजी में या बॉटनी, तो आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट से देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आए थे यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग, जैसे कोई उड़ीसा से था, कोई केरला से था, मध्य प्रदेश से था, राजस्थान से था, तो वो बोल रहे थे कि हॉस्टल जो बात होगी हॉस्टल के बारे में, क्या हॉस्टल हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है? अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती है। तो उस बारे में हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, अर्जियाँ भी डाली, एप्लीकेशन भी डाले, और इवन कि बहुत सारे लोगों से मिले भी। दे ऑलवेज गिव अस फॉल्स होप्स फ्रॉम देयर साइड, हमेशा उन्होंने हमें बस यही, वो बोलते हैं ना, वो नीले बाग दिखाए वही किया। तो हॉस्टल आप मानो इस साल तो नहीं मिलेंगे, मे बी नेक्स्ट ईयर वो कुछ करेंगे, लेकिन इस साल तो फॉर श्योर है कि वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो नेक्स्ट बात जो हम करेंगे वो माहौल के बारे में, क्या कश्मीर सेफ है, उसका जो जवाब देंगे वो देंगे गणेश। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँ, क्योंकि गणेश ने यहाँ पे रह के उसको ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ रहे हैं, और वो पूरा एक्सपीरियंस बताएं। और भी जो बाहर के आउटसाइडर जो होंगे स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी अपनी राय दे देंगे। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, रूम्स कैसे मिलते हैं, अगर हॉस्टल नहीं है तो रूम्स अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल मिल जाते हैं, मगर आपको लेना होगा ना, तो आपको एज पर कंडीशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर अकेले रहना चाहते हो, दो लोग रहना चाहते हो, तीन लोग रहना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली फिर। लेकिन अगर आप एवरेज बोल दूँ, दो आदमियों का 3,000 तक चला जाता है रेंट, और अगर आप पूरा खाने में मिला दो तो ऑलमोस्ट 5 से 6,000 तक आ जाता है महीने का दो आदमियों का, चाहे वो फिर दो लड़कियां होगी चाहे फिर वो दो लड़के होंगे। तो ये हो गई रूम की बात। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, एकेडमिक्स। यहाँ पे बच्चा सफ़र तो नहीं करता अभी तक, मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है अपने एकेडमिक्स को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एग्ज़ाम टाइम पर हो रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ऑनलाइन कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम नहीं कराया, सब ऑफलाइन कराए विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, कोविड जो भी गवर्नमेंट की वहाँ से इंस्ट्रक्शन से वो फॉलो करा के। तो एग्ज़ाम का तो कोई लोचा नहीं है यहाँ पे, एग्ज़ाम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रिजल्ट टाइम पे आ जाते, थोड़ा बीच में हो गया था डिले ड्यू टू कोविड, लेकिन अब वापस ट्रैक पे। और एक बात है कि क्लास वर्क स्मूथली जा रही है। मैं अपनी डिपार्टमेंट की बोलूँ तो हमारी क्लास वर्क बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से जा रही है, फ्रॉम द बिगनिंग अच्छे से जा रही है। बाकी ये यूनिवर्सिटी भी थोड़ी डेवलपमेंट में है, क्योंकि 2009 में एस्टैब्लिश हुई है, तो यूनिवर्सिटी को ना बड़े बड़े जो इदारे होते हैं उनको टाइम लगता है सुधरने में। धीरे में भी 10 साल के बाद इससे भी अच्छा कैंपस होगा यहाँ। सो एकेडमिक्स का जो सीन है यहाँ पे, एकेडमिक्स बहुत ही अच्छी है, आप एकेडमिक्स पे भरोसा कर सकते हो। बस थोड़ी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे हो रही है। जितनी रफ्तार से होनी चाहिए थी उतनी रफ्तार से तो नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है, टाइम लगेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कश्मीर की पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, वो अब डिस्कस नहीं करनी है। अब जो हमने अपनी बात करनी वो है वेदर। अभी विंटर्स आने वाले हैं, और आपने तो कश्मीर की हालात तो सुने होंगे, विंटर्स में 4-4 फीट स्नो पड़ती है, 12-8 फीट तो गुलमर्ग में पड़ती है, वहाँ पर तो ऑलरेडी स्नोफॉल हो गया कल, तो इसलिए आपको जब आना है विंटर में तो आपको गर्म कपड़े साथ लेने। अभी आप अगर आप श्रीनगर आ जाओगे तो आप अगर आप लेट पहुंचोगे तो आपको मालूम करना है कि यात्री निवास कहाँ पे है, वहाँ पे लाल चौक में ही है, घंटाघर के पास यात्री निवास, तो आपको वहाँ पे एकोमोडेशन मिल जाएगी, चाहे आप दिन को रहो या रात को। फिर आप यहाँ पे मुझे भी मैसेज कर सकते हो, गणेश को भी मैसेज कर सकते हो कि आना कहाँ से, हम आपको पूरी लोकेशन कर देंगे सेंड, या तो व्हाट्सएप पर कर देंगे या तो आपको डायरेक्टली DM कर देंगे इंस्टाग्राम। हम जो अपनी लिंक है इंस्टाग्राम की वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो, और इवन कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर दिया होगा इसी वीडियो में। तो ये हो गई बात जब आप आएंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, वेदर से भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अपना जो सिम है ना वो पोस्ट पेड में कन्वर्ट कराना, प्री ऑन पोस्ट में करना, क्योंकि जो प्रीपेड सिम है वो आपको ना ऑलमोस्ट जब आप जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर टच कर रहे होंगे पठानकोट में, तो वो आपका बंद हो जाएगा, तो आपका पूरा कनेक्शन टूट जाएगा, इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, आप बोलोगे अब क्या हो गया, क्योंकि इंटरनेट के बिना ना लाइफ बहुत बंद हो जाती है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपका ये पुराना नंबर भी चला रहे,
तो आप नई एक सिम ले लेना कश्मीर के लिए, जो आप यहाँ पे चलाओगे पोस्टपेड ले लेना। मेरे हिसाब से प्रियन पोस्ट या पोस्टपेड दोनों एक ही बात है, ताकि आप यहाँ भी बात करो और बाहर भी कनेक्टेड रहो। बाकी मैं बोलूँ, यहाँ पे आप जब आओगे ना, आपकी एक अलग ही वाइब होगी, आपको एक मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ बाहर के स्टेट्स की तरह अभी तक वो थोड़ा ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर नहीं आया है। यहाँ पे लोग अभी भी 9 बजे तक, गाँव के लोग तो 9 तक तो सो ही जाते हैं, विंटर्स में 9 तो मैक्सिमम। आपके पढ़ाई के लिए ना बहुत टाइम लगेगा, डिस्टर्बेंस रात को कोई भी नहीं है, इवन कि दिन को भी कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। अब आप बोल रहे हैं वो जो न्यूज़ में हम सुनते हैं कश्मीर में ये हालात ख़राब है, वो हालात ख़राब है, इसके बाद जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा गणेश जो है आपने वीडियोस में भी देखा, वो मेरे घर में भी रहा है, उसके साथ बात करेंगे ना, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, आप बजट मतलब लमसम आप मान के चलो 4 से 5 हज़ार खर्चा आएगा, मिनिमम आपका आ सकता है 3 हज़ार, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे खाएंगे पिएंगे, लेकिन 4000 से आप मान के चलो 4000 से 500 ऊपर नीचे बस लमसम इतना खर्चा आएगा महीने का जब आप यहाँ पहुँचोगे। क्योंकि अगर आप नज़दीक में यहाँ पे रूम लोगे तो आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो नहीं भरना पड़ेगा, खाली रेंट और फिर रहने का। बाकी यहाँ के लोग मैं क्या कह सकता हूँ, आउटसाइडर से ही सुने लोग कैसे हैं। बाकी गणेश आएंगे, मैं उनसे 2-4 सवाल पूछूंगा, वो जवाब देंगे। हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते ऑल्स। जैसा कि हम मेयर मुबशिर भाई इस पे वीडियो बना रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब एडमिशन रिगार्डिंग हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि यहाँ का माहौल कैसा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, माहौल का आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप जो ये प्रोपोगंडा है मीडिया का आप उसके भरोसे ना रहे। मैं खुद यहाँ से 2 साल से मैं यहीं कश्मीर में रह रहा हूँ, तो जैसा माहौल आप सुन रहे हैं या फिर जो आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ नहीं है, नो डाउट आप यहाँ पे आइए, आपको यहाँ का माहौल बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और सेकंड जो बात है, यहाँ पे आने के बाद में आपको हॉस्टल है आप भी मान के चलिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रेंट का जो आपका रहेगा, यहाँ पे पीजी भी मिलेगा आपको और रूम भी मिलेगा। अब कोई बोलेगा रेंट कितना, इस पर आप कंडीशन पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपका मिनिमम जो एवरेज मान के चलो आप 5 से 6 हज़ार आपका मंथली चला जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। और जो मोस्टली मैंने पूछा कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन क्या है वो है, तो आप सबसे पहले इसकी जो भी ऑनलाइन फीस है आप फीस पहले एडमिट कीजिए, ठीक है। तो आप इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अगर डिले होगा तो भी इसमें हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इसकी लास्ट डेट है उसमें आप पहले फी पे कीजिए, जिस भी आप डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि एक बार यहाँ पे अगर फीस आ गई तो ये मान के चलिए आपका 50% एडमिशन हो गया, उसके बाद में ओनली फॉर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे फीस पे करने का ध्यान दें, ठीक। और बाकी रही माहौल की बात, तो जो चीज़ें आप सुनेंगे यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। कश्मीर आओ, एक्सप्लोर करो इस चीज़ को, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और हम अगर आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम आए आपको, तो आप हमें DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताएं आपको कश्मीर लोग कैसे मिले, आपको कभी नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप हमारे क्लास में एक आउटसाइडर, दूसरा जो मुस्लिम है, मेजॉरिटी में मुस्लिम है, एक ही हमारे पास जो है नॉन मुस्लिम है। क्या आपको कभी ऐसा लगा या कोई भी आपने नेपोटिज्म का सामना किया, तो वो आप शेयर करें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना कोई नेपोटिज्म का ना कोई रिलीजन का, मैं यहाँ पे मुझे कोई सामना ना करना पड़ा, ठीक है। माशाल्लाह मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आप कई बात हेल्प की, आपको बिना बोले आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ, ठीक है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये करो ये वो करो, ऑटोमेटिक आप, क्योंकि कश्मीर की फैसिलिटी बिल्कुल अलग है आउटर साइड से, ठीक है। तो आप यहाँ नो डाउट यहाँ पे आ जाइए, आपको यहाँ किसी भी चीज़ का फेस नहीं करना। हाँ, थोड़ा वेदर है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, इस वजह से आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। और बाकी यहाँ पे जिस हिसाब से आप जो कुछ सुन रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मोस्ट वेलकम है आप सबका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर। अच्छा, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद रहा हो, किसी कश्मीरी ने आपको कभी अचानक से मदद की हो या कुछ, कोई ऐसा इंसिडेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अप्लाई किया तो मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो मेरे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हिलाल एंड आसिफ नाम के बंदे थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से, उन्होंने ही मेरा सारा, मैं आया ही नहीं था उससे पहले, मेरा रूम कर दिया उन्होंने, रेंट वेंट सारा दे दिया, मतलब जितने भी मेरे अकोमोडेशन की जो भी मतलब थी ना जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली थी। तो उस रिगार्डिंग मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई कश्मीरी बहुत ही अच्छे होते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आओ और यहाँ की चीज़ें देखो। अच्छा, और एक सवाल, में कश्मीरी वाजवान आपने खाया? कश्मीरी वाजवान कभी शादी में जाते हैं देखते हैं, और कभी तो अच्छा करने का मौका मिल जाए तो खा लेते हैं, इस कोई बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अब आपका लास्ट में क्या रहेगा, जो भी कोई आउटसाइडर है जो कंजर्वेटिव फैमिली से है, उसको क्या आप रिकमेंड करेंगे, क्या आप उसको आना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पढ़ने के लिए? देखिए, अगर आप साइंस फील्ड से हो या मैनेजमेंट फील्ड या आर्ट्स फील्ड से हो, ठीक है, क्योंकि आउटर साइड में हमारा चलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग ही, वो कितना टोरा है, अलग ही टोरा है हमारे उधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अगर आपको अगर दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई किया वहाँ आपको नहीं मिल रही है, तो मान के चलिए अगर आपके 2 नंबर भी है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बच्चे कम यहाँ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो कश्मीर नाम सुन के वो नहीं करते, लेकिन यहाँ मान के चलिए आपको यहाँ किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलना हर किसी बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान तमिलनाडु देख लीजिए, वहाँ पे कट ऑफ बहुत ही जाती है। तो ये मान के चलिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर को लेने की, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे पहले एडमिशन को कन्फर्म करें अपना। हाँ जी गाइस, अभी हम आए हैं आउटसाइडर से मिलने, तो अब हम चेक करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी मेरे साथ दो स्टूडेंट्स और भी है, ये भी यही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हमारे साथ कश्मीर में, तो आप अपना नाम बताएं। मतलब इसमें रूम रेंट भी ऐड है? रूम रेंट हम खुद पकाते हैं ना, इसलिए आ जाता है 3000 एक एक का। इट मीन कि आपका रूम रेंट कितना है? रूम रेंट हमारा 1200 है अभी। तो दो हम तीनों शेयर करते हैं, एक रूम को तीन शेयर करते हैं, तो एक के हिसाब से हमें 1200। अच्छा, एक के हिसाब से 1200 आता है, इट मीन 3600 तीनों का आ जाता होगा, और एक का एक बंदे का 3000 एवरेज लेके चले आप लोग महीने का खाने पीने और रहने का। लेकिन जब ये तीन अगर दो रहे हैं तो उसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है, करता है ना, और भी करता है। अच्छा आप मुझे बताएं आपका यहाँ पे ना कोई दिक्कत मत आई अब, क्योंकि आप आउटसाइडर हो। लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए यहाँ के बच्चे जो है कितने कॉपरेटिव है? मेरा फ्रेंड है, मैंने इसको कभी भी मतलब फील ही नहीं करा कि ये आउटसाइड है, ये खुद भी बोल सकता है। आप जो हमारा फ्रेंड है, हमारे क्लास में से वो बहुत अच्छे थे, जब हम आए उससे पहले ही उन्होंने इनसाइड दिया हुआ था हमारा अरेंजमेंट, जिस दिन हम पहली बार यहाँ पर पहुँचे खाना हमने उन्हीं के घर में ही खाया, चाय सुबह जैसे मेहमान नवाजी होता है वो अच्छा था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है या हॉस्पिटल की दुनिया में बहुत अच्छा है। और ये बात हमने बोले कि जिससे जैसे कि हमने इससे यहाँ पे आने के पहले ये सोच रहे थे कि थोड़ा ये कैसे होना ना हो गई, हमको पता नहीं था ये एक दौर रहता है सबके अंदर, लेकिन यहाँ पे आओ ये ऐसे माहौल कुछ नहीं है, जो सोच रही हो ऐसे माहौल कुछ नहीं है, सब सिंपल है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप थैंक यू आप लोग का, और कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो मुबाशिर भाई को आप याद कर सकते हैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है। चलो हैव अ ग्रेट डे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसी गोलगप्पे की रेडी के सामने हमने दो स्टूडेंट्स के साथ बात की, इसके पीछे हमारी यूनिवर्सिटी का बोर्ड दिख रहा होगा। आप आए, आपकी यहाँ के अपनी वेराइटीज के स्नैक्स भी मिल सकते हैं। गोलगप्पे आप लोग का फूड है, यहाँ कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस हुआ है और लोग बहुत पसंद करें। आपने गणेश का भी देखा और आउटसाइडर हमने दो लड़कियों से बात की वो भी देखा। अब अगर आपका मन बन रहा है तो आने का तो आप भेज दीजिए कास्ट को। विद दिस थिंग लेट्स एंड दिस वीडियो, आई होप कि आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कोई मदद मिली होगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग को ना जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। बाकी आप हमें जैसे लिंक्स दी है डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करना है कोई भी तो आप कर सकते हो।